क्या होता है कि जब हम काम कर रहे हैं तो साथ में जैसे घर होते हैं, पड़ोस होता है, मशीन की जैसे आवाज़ आती है तो उनको दिक्कत होती है, फिर वो कहते हैं कि धूल मिट्टी का काम हो रहा है तो आप काम बंद कर दो। किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी को कोई दिक्कत होती है, लेकिन क्या कलाकार फिर क्या करता है कि इसको ना चेंज करता है, चलो भाई स्टोन में काम नहीं करना है, चलो वुड में कर लेते हैं। कई बार वुड से भी ठुकटू किसी को होती है, कहते भाई बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और आप उधर ठुकटू कर रहे हो, तो फिर सोचता है कलाकार चलो भाई मिट्टी में काम कर लेते हैं। मिट्टी का भी ऐसे ही होता है, कई बार हम काम कर रहे हैं और फिर मोल्ड लेने की बात आती है तो अंदर तो मोल्ड ले नहीं पाते हैं तो उसको फिर बाहर लेके जाना पड़ता है, तो वहाँ भी यही दिक्कत होती है कि चलो धूल अड़ा रहे हो आप लोग। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कलाकार को हमेशा फेस करनी होती है। तो आप स्कल्पचर्स के साथ साथ पेंटिंग्स भी करते हैं, और जहाँ हम आपकी पेंटिंग्स देखे तो उसमें बच्चों को लेकर कई थीम्स हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चों के साथ ये फैसिनेशन क्यों? मेन क्या कि हम लोग ना जुड़े हुए हैं, जो बचपन हमारा, हम ना बचपन को याद करते हैं। तो जो आम गेम होते हैं, कंचे खेलना है, लट्टू चलाना है, तो ये तो आम गेम है जो सबको मालूम ही है। इन्हीं चीज़ों से ना क्यों क्रिएटिविटी निकलती है कि बच्चा खेल तो रहा है। मैंने एक पेंटिंग दिखाई, उसमें लट्टू दिखाया ऊपर से, देख रहा है मैंने उसको कि ये जो लट्टू है ये चला तो रहा था, वो बात अलग हो गई है, लेकिन जब पेंटिंग की बात आती है, क्रिएटिविटी की बात आती है, तो उसको ना देख रहा है लट्टू को कि ये कैसे घूमता होगा, जब घूमता होगा कितनी देर घूमता होगा, जब ये मैं चलाऊंगा पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। क्योंकि हर तरह के बच्चे हैं, कई बच्चे परफेक्ट होते हैं चलाने में, कई जो सोचते होते हैं कि यार मैं चलाऊंगा पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा या क्या होगा इसका क्या नहीं होगा। तो ये मैंने, मेरा सोचना ये था कि बच्चे जो हैं वो गेम पर ना फिर से शुरू करें, कंप्यूटर में ना लगे। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल दे दो, मोबाइल लगे रहते हैं, जो पुराने हमारे गेम खत्म हो गए तो लोग ना उनको याद करें। तो इसलिए मैं अभी इस विषय पर काम कर रहा था कि जो हमारी चीज़ें छूट गई हैं, जो गेम हमारे ख़त्म हो गए हैं, वो गेम फिर से आए। तो ये चल रहा है, अभी देखता हूँ कहाँ तक मैं सफल होता हूँ। हाल ही में आपकी कई प्रदर्शनियां भी हुई आपके स्कल्पचर्स और आपके पेंटिंग्स की, तो क्रिटिक्स का रिएक्शन कैसा रहता है और किस तरह का प्रभाव डालता है क्रिटिक्स का रिएक्शन आपके काम पर?